की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी हिंदी पुस्तक साहित्य सौरभ का पाठ सबसे कठिन काम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में। आज हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। उससे पहले यह जान लेते हैं कि लेखिका हैं मधु कांकरिया जी और पाठ का नाम है सबसे कठिन काम, जो कि एक डॉक्टर के सेवा भाव के ऊपर आधारित कहानी है। डॉक्टर मधुसूदन एक सेवाभावी डॉक्टर हैं। वे अपने परिवार से पहले अपने मरीजों को अहमियत देते हैं। ऐसा एक घर, ऐसी एक गली नहीं होगी जहां डॉक्टर साहब न पहुंचे हों। उन्होंने निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा की और अब वे राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, तो वह भी इस भाव से कि समाज से भ्रष्टाचार को मिटा सकें। वे इस बात से अति आश्वस्त हैं कि सभी मरीज उन्हें भली भांति जानते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जहां उन्होंने अपनी सेवा न प्रदान की हो। यहां तक कि जब प्रचार प्रसार का समय आया और यह वह बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके प्रतिद्वंदी कुछ कुख्यात गुंडे हैं, दूसरी पार्टियों के लोगों ने उन्हें प्रतिनिधित्व सौंपने की भी अत्यंत कोशिश की, पर डॉक्टर साहब की भलमानस इतनी कि वह सिर्फ और सिर्फ इस समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते थे, कोई और स्वार्थ नहीं। अतः वे चुनाव लड़ते हैं और वे इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि आज की दुनिया में प्रचार प्रसार के बिना चुनाव जीतना अत्यंत कठिन है। चुनाव के दिन भी वे अपने मरीजों को देखने में ही लीन थे। खुद जाने कैसे भागते दौड़ते अपना वोट भी देने जा पाए। उस दिन भी मरीजों की सेवा में ही रत थे। अतः मतगणना के दिन भी वह विरासत योगी की तरह मरीजों को ही देखते रहे। जो भी प्रचार प्रसार किया गया उनकी तरफ से, वह उनके शुभ चिंतकों और मित्रों ने किया। उन्हें कई बार समझाया कि आज चुनाव जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं, पर डॉक्टर साहब तो बस अपने ही धर्रे पर चले जा रहे थे। उन्हें सिर्फ अपने मरीजों से ही मतलब था।
रोगियों को देखते ही देखते मतगणना का दिन भी बीत गया। अपने प्रतिद्वंदियों से बुरी तरह पिछड़ रहे थे, और जब तक घर पहुंचे, उस घर जिसे उन्होंने सदा ही मरीजों के लिए उपेक्षित किया, जब तक घर पहुंचे तब तक तो जमानत भी जब्त हो चुकी थी। जीतना तो एक ख्वाब ही हो गया। और शर्मनाक बात ये थी कि हारे तो हारे पर इतने कम वोटों से 55 वोट उन्हें मिले, सिर्फ 55। ये पीड़ा, ये दर्द डॉक्टर साहब के अलावा कोई और महसूस कर ही नहीं सकता था। भीतर कुछ इतने जोर से टूटा कि उसकी आवाज को सारे के सारे परिवार ने सुना। झाँव झाँव करते गली के कुत्ते ने सुना। हार इतनी शर्मनाक थी कि समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ अपना मुंह छुपाएं। विश्वास इतनी बड़ी चीज होती है, अगर वह किसी पर बन जाए और फिर टूटे तो बहुत दुख देता है। खिन्न और सुन्न डॉक्टर ने इस घटना के बाद अपने को अपने घर में ही कैद कर लिया। वे न किसी से मिले और न कुछ बोले। पीड़ा जब हद से गुजर जाती है तो इंसान चुप्पी लगा जाता है। यही कुछ डॉक्टर साहब के साथ भी हुआ। काटो तो खून नहीं, दुख इतना कि किसी से कहा नहीं जा सकता। मोहल्ले वालों पर, अपने मरीजों पर अत्यंत भरोसा था। न किसी से कुछ शिकवा शिकायत ही की, और वह 55 के आंकड़े का दर्द पूरे 55 घंटे के बाद वे अपने घर से बाहर निकले तो सब कुछ वैसे ही था। बदला था तो बस डॉक्टर साहब का अंतर्मन, दुखा था तो बस डॉक्टर साहब का दिल। बाहर सब कुछ वैसे ही था। बाहर गंदगी पर जिंदगी पसरी हुई थी। जिस दुनिया को वह बदलना चाहते थे वह तो जस की तस थी। सड़क पर पगली वैसे ही मूत रही थी और पुलिस वाला उसे डंडे से खदेड़ रहा था। हाथ रिक्शा वाले वैसे ही सड़क पर बदहवास दौड़ रहे थे। कोलकाता की कहानी है, वहाँ पर रिक्शे को इंसान अपने हाथों से खींचता था। हावड़ा पुल वैसे ही शान से खड़ा था। काली मंदिर में वैसे ही बकरे की बलि चढ़ रही थी।
कहीं कुछ भी नहीं बदला था। सारा शहर, सारी दुनिया ज्यों की त्यों थी, लेकिन डॉक्टर साहब की केमिस्ट्री बदल चुकी थी। डॉक्टर साहब का मन इस दर्द को सह नहीं सकता था, वह पूरी तरह बदल चुका था। वे अब दूसरे ही इंसान थे। उनकी जिंदगी पर गंदगी पसर गई थी। बड़ी ही दुखद बात है, पर सत्य तो यही है कि डॉक्टर साहब अब पहले जैसे नहीं रहे थे। अब उनके जीवन पर गंदगी पसर गई थी। जिंदगी में पहली दफा वे फुर्सत के इतने बड़े साम्राज्य में रहे। मरीजों के पीछे भागते भागते, रोगियों की सेवा करते करते, अपने लिए या परिवार के लिए तो वो कभी 2 क्षण नहीं निकाल पाए फुर्सत के। और आज 55 घंटे का आराम, 55 घंटे की फुर्सत इतनी बड़ी हो गई थी। इस कारण जब वे निकले तो सारे अंत द्वंद, ऊहा पोह, फीतरी उठा पटक, सबसे मुक्त उनका एक नया अवतार ही सामने था। अब जब सोचा, जब बहुत सोचा कि क्या हो गया मेरे साथ, तो अंदर के सारे दर्द, सारे झगड़े, सारी ऊहापोह, सारी उठापटक अब शांत हो गई। समझ आ गया कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो अपने परिवार, अपने जीवन को बलिदान किए जा रहा था, बिना ये सोचे कि मेरे किए का सामने वाले को कुछ एहसास भी है क्या। सब कुछ वैसा ही था, सिर्फ डॉक्टर साहब और उनका मन बिल्कुल पहले जैसा नहीं था। जीरो फीस और आधी फीस की सुविधा अब खत्म थी। सबको समान भाव से देखते हुए चैम्बर फीस अब उन्होंने दुगनी कर दी थी। पहले डॉक्टर साहब जीरो फीस उन लोगों से लेते थे जो समर्थ नहीं थे, और आधी फीस भी यही सोचकर कि मेरा काम तो सेवा भाव है, मेरा काम तो सेवा भाव है, यह सोचकर करते थे। पर अब परिस्थिति में परिवर्तन आ चुका था। अब चैम्बर फीस भी दुगनी कर दी थी, होम विजिट चौगुनी थी। अब उन्हें कोई सेवा भाव का कुछ भी स्वप्न बाकी नहीं बचा था। पत्नी और परिवार का, जिनका उन्होंने 30 वर्षों में कभी ख्याल नहीं किया, उनका ख्याल करते हुए नाइट विजिट उन्होंने खत्म कर दी।
शनिवार और रविवार की मुफ्त सेवाएं भी उन्होंने बंद कर दी, और जितने भी हेल्थ क्लब उन्होंने चला रखे थे सबसे त्याग पत्र दे दिया था उन्होंने। उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची जब उनके किए हुए अच्छे कर्म, निस्वार्थ सेवा भाव का बदला इतना शर्मनाक मिला। उन्होंने कई हेल्थ क्लब चला रखे थे, वहां से भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अपनी अपमानजनक हार का बदला वे अपने भीतर बसे इंसान से चुन चुन कर ले रहे थे और उसे पूरी तरह कुचलने में लगे थे। उन्हें इतना दुख था अपने साथ किए दूसरों के बर्ताव का कि वह अब अच्छे बने ही नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपने भीतर बसे अच्छे इंसान को पूरी तरह दबाना, कुचलना शुरू कर दिया। भीतर का शैतान अब उनके कंधों पर चढ़ उनका गला दबोचने लगा था। अपनी मटर सी आंखों को झपका झपका के वे रह रहकर गुर्रा रहे थे। अच्छाई के ऊपर अब बुराई का जोर ज्यादा आ चुका था। अब उनके अंदर अच्छा इंसान न होकर एक शैतान बार बार सिर उठाता था। हर बात पर नाराज हो जाते थे, ऐसा लगता था कि गुस्से में गुर्रा रहे हैं। अब तुम्हें वही मिलेगा मोहल्ले वालों जिसके लायक हो तुम। उफ, तुम्हारी सेवा करते करते मैंने खुद को, परिवार को खो दिया। अंदर जो अपने परिवार के साथ किए गए बर्ताव का, उनके साथ न बिताए हुए समय का जो अफसोस था, उसका क्रोध रह रह कर उनकी जुबान पर आ जाता था। कोई इतवार इतवार सा न रहा, कोई इतवार इतवार सा नहीं आया। खुद को बार बार समझाते थे कि उन्होंने जो किया वह गलत था। उन्हें क्या नतीजा मिला? क्या मिला तुझे? 55 वोट। क्यों किया ऐसा? दिन रात एक युद्ध चलता रहता उनके भीतर। सांस फूली रहती, नसें तनी रहती, बीपी बढ़ता रहता। बार बार उस शर्मनाक हार का एहसास उनका बीपी बढ़ाता रहता। मन ही मन अपने किए पर पछताते, अपने किए का आकलन करते, अपने बिताए 30 सालों का हिसाब खोल कर बैठ जाते। खाली होते ही तन्हाइयां सवाल करने लगती उनसे। काश नहीं लड़ा होता उन्होंने यह चुनाव, काश ऐसा किया होता, काश वैसा न किया होता। पर नहीं लड़ते तो पता कैसे चलता लोगों का यह रंग? क्या ऐब था उनमें जो मिला उन्हें फरेब? हार बहुत शर्मनाक थी। 55 वोटों से यह प्रतीत होता है कि पिछले 30 वर्ष व्यर्थ ही गंवा दिए उन्होंने।
ओह, कितनी गलतफहमी में धंसे हुए थे वे कि लोग उन्हें फरिश्ता मानते हैं। उन्हें यह महसूस होने लगा कि वह बहुत बड़ी गलतफहमी में अपना समय व्यतीत कर रहे थे कि लोग उनका मान सम्मान करते हैं, कि लोग उन्हें फरिश्ता समझते हैं। सारे छिलके उतर गए। उफ, हारे तो भी किससे? एक गुंडे से? और कैसी शर्मनाक हार! बार बार वही दुख, वही चिंता, वही हार उनकी नजरों के सामने, उन्हें पीड़ित करने के लिए, उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए मुंह उठाए खड़ी हो जाती। धीरे धीरे वे एक तब्दील होते जा रहे थे। कोई नमस्कार भी करता तो उसे घूरते और सोचते, जिन 55 लोगों ने वोट दिया उन्हें, क्या उसमें होगा वह भी? कहते हैं ना कि एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो उसका फिर से उसी प्रकार जुड़ना लगभग असंभव ही होता है। हर इंसान जिससे वह मिलते थे, उसके बारे में मन में शंका प्रकट करते थे, आशंकित होते थे कि क्या वह मनुष्य उनमें से एक होगा जिन 55 लोगों ने मुझे वोट दिया है। उन्हीं दौड़ते भागते दिनों में मुझे जरूरत पड़ गई थी डॉक्टर साहब की मदद की। लेखिका कहती हैं कि जब यह सब घटित हो रहा था, उसी समय काल में लेखिका को डॉक्टर साहब की जरूरत पड़ी, उन्हें उनसे मिलने जाना पड़ा। हमारे पड़ोसी की 4 वर्षीय लड़की को एकाएक डायरिया हो गया था। यह बात समझने वाली है कि कई बार डायरिया छोटे बच्चों में जानलेवा भी हो सकता है। कई बार पड़ोसी ने फोन किया, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपने से मना कर दिया। अर्थात पड़ोसी ने जब डॉक्टर साहब से उस बच्ची को देखने के लिए कहा, तो डॉक्टर साहब ने सिरे से मना कर दिया। कुछ खास परिवारों को डॉक्टर साहब ने अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया था कि किसी भी हालत में वे उन्हें अपनी सेवाएं अब नहीं देंगे। कुछ परिवारों से डॉक्टर साहब को कुछ खास ही वितृष्णा हो गई थी। दुर्भाग्यवश यह परिवार भी उनमें से एक था। अभी तक डॉक्टर साहब के अलावा किसी दूसरे डॉक्टर का मुंह भी नहीं देखा था। अब उस घड़ी में बुलाएं भी तो किसे?
डॉक्टर का पेशा एक ऐसा पेशा है जिस पेशे में मरीज का भरोसा अगर उस डॉक्टर पर जम जाए तो किसी और डॉक्टर को दिखाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। परंतु यहाँ तो डॉक्टर साहब ने आने से साफ इनकार कर दिया। लेखिका कहती हैं, हिम्मत कर मैं आई उनके चेम्बर में, घंटे भर बाहर बैठी रही, और जब सारे रोगी चले गए तब जाकर उनसे बात हुई। लेखिका डॉक्टर साहब के परिवर्तित स्वभाव को, व्यवहार को समझ चुकी थी, इसी कारण से वह घंटे भर तक बाहर बैठी रही जब तक कि सारे रोगी वहां से चले नहीं गए। पता था डॉक्टर साहब अब छोटी छोटी बात पर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। अगर उनसे बात करनी है तो सारे मरीजों का चले जाना ही उचित है। थके थके, उदास और हारे हारे से डॉक्टर साहब के चेम्बर में जब मैं घुसी तो एक बार तो उन्होंने मुझे भी रोगी ही समझा। मैंने अपने आने का मकसद बताया और गुजारिश की। गुड़िया की हालत गंभीर है, आपको चलना होगा। डॉक्टर साहब जब तक सद्भाव का कार्य करते थे तब तक वह स्फूर्ति से, खुशी से मरीजों की दिलो जान से सेवा करते थे, पर अब जब उन्होंने अपना मन मरीजों से मोड़कर प्रतिशोध की तरफ कर लिया तो डॉक्टर साहब बहुत ही थके थके, उदास से दिखाई पड़े। लेखिका ने अपने आने का मकसद बताया और दरख्वास्त की कि बच्ची की हालत गंभीर है, आपको चलना होगा। पर डॉक्टर साहब अब बदल चुके थे। डॉक्टर साहब ने डायरी दिखाई, कुछ पल सोचते रहे और फिर उन्होंने जो कहा वह लेखिका को बड़ा ही दुखद लगेगा, पर अब डॉक्टर साहब बदल चुके थे। आज की कक्षा का समय यहीं समाप्त होता है। आगे का पाठ और इससे जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर हम अगली कक्षा में देखेंगे। आप कृपया पाठ को पढ़िए और समझिए।